Shubham Gaurishwar
सत श्री अकाल। और सबसे पहले तो ईद 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 मुबारक हो आपको, आप सबको मुबारक, सबको मुबारक, सब दोस्तों को, सब अजीजों को। आप कैसे हैं? और
बस बूढ़े हो रहे हैं आपके तो, माशाल्लाह अभी दाढ़ी नहीं आई, मेरी तो आकर सफेद हो गई। नहीं, हुजूर आप क्या बात है, ये तो ऐसा है कि पुख्तगी आ रही है, पुख्तगी। ऊपर की हम गिनते नहीं ना, उससे गिनेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए 30 साल बाद आपको सुन रहा हूं मैं, 30-32 साल हो गए। हमारे जी। भाई राजवीर जी के घर में चंडीगढ़, चंडीगढ़ में तो आपके कई कॉन्सर्ट हुए थे तब, 88-89 की बात है। हाँ, और बहुत ही हमारी गुफ्तगू तो खैर होती रही है कई बार, लेकिन गाना आज बड़े मजे से सुन रहा हूँ और बहुत ही खुशी हुई है। आपके वालिद साहब उस्ताद साहब मोहम्मद सराहंग याद आ रहे हैं आपको सुनते हुए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि शायद हम संग बैठकर वो भी सुन रहे हैं आपको। यकीन बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ एक तो आपका, आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी जो यारनाथ वर्चुअल बैठक सीरीज चल रही है उसकी 38वीं जिसे कहें ये बेला है, तो 38 मात्रे का ताल चल रहा है आज। अरे तो बहुत ही खुशी। आप बता रहे थे पटियाले का अंग बता रहे थे बीच में गाते हुए, एक तो आवाज बीच बीच में आती जाती है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भंगू जी जुड़ रहे हैं लेस्टर से, उन्होंने कहा है कि ऑडियो में थोड़ा है, थोड़ा अगर थोड़ा नजदीक होकर हल्का सा उठकर गाएं तो मेरे ख्याल से शायद नजदीक हो जाएंगे। मुझे लगता है हारमोनियम के बाद है ना, आप शायद वॉइस कैंसिल हो रहा है मुझे लग रहा है, खैर वो देखेंगे कैसा होता है। आप बता रहे थे कुछ पटियाला घराने की खासियत बता रहे थे, वो जरा एक बार इरशाद हल्का सा बताएं कि क्या अंग था खान साहब, आपके वालिद साहब ने बताया या उस्ताद फतेह अली खान साहब ने बताया, उनके उस अंग के बारे में बताएं जरा, थोड़ा तबसरे से बताएं। ऐसा मैं अर्ज करूं आपको कि पटियाला घराना, जहां तक के हमने अपने बुजुर्गों से, अपने गुरु साहब से, सरंग साहब से सुना, अपने वालिद साहब से, और फिर अपने गुरु उस्ताद अमानत फतेह अली खान साहब जो मेरे गुरु हैं, फिर वो जिन्होंने गंडा बांधा है 2 साल की उम्र में, उस्ताद अमानत फतेह अली खान साहब। तो आशिक अली खान साहब जो थे पटियाला घराने के, उस्ताद आशिक अली खान, तो वो तो सबके गुरु थे, पटियाला घराने में बहुत थे, उनके नामदार शागिर्द थे जैसा सरंग साहब, उमैद अली खान साहब और बहुत से, जिनका मैं नाम अगर लूँ तो कुछ ज्यादा गुस्ताखी ना हो जाए, बहुत बड़े बड़े लोग उनसे सीखा है उन्होंने। अच्छा, जैसा आमिर फरीदा मलिका गजल, वो भी तो खान साहब की शागिर्दा हैं। आशिक अली खान, अला रखा खान साहब जो तबला वाले हैं ना, तो उस्ताद अला रखा पहले तो गाते थे, तो गाने में वो आशिक अली खान साहब के शामिल थे और तबले में हजरत मियां कादर बख्श खान साहब। तो ऐसा उन्होंने बताया था कि यार पटियाला घराना जो ये घराना है, ये तो फतेह अली खान साहब और जर्नैल के जमाने से, जर्नैल फतेह अली खान अली बख्श, इन्होंने यानी ईजाद किया है इस घराने को, दोनों जो साथ गाते थे महाराज पटियाले के जमाने में। तो इसमें खासियत, एक तो पटियाला का रंग जो है, हर घराने का अरगुलेरा रंग बोए जिगर है, हमारे पास में होता है फूल का खुशबू और रंग अलग। तो ये जितने घराने हैं, हर किसी हर घराने का खास खास खुशबुएं हैं और खास खास उनमें महक है, तो हर घराना अपना अपना वो रंग और ढंग में बहुत बढ़िया है। और घराना पटियाले में रंगीनी ज्यादा है सुरों का और लयकारी ज्यादा होता है पटियाले में, तबले के साथ बहुत लयकार होते हैं, यानी पटियाला घराने के गवैये जो हैं सभी बहुत। अब जैसा आप देखिए फतेह अली अमानत अली खान साहब, उस्ताद सलामत मिजाकिर खान साहब, सरहान खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, और जैसे ये सब इतने लयकार थे, लयकारी में बहुत इनकी महारत थी, और राग को रंगीन बना के गाना, सुरों के ऊपर लय सुर पे ज्यादा ध्यान देते, और ज्यादा मैं शायद इतना ही मैं जो मैं आपको कहना चाहता था तो शायद ऐसे ही हो, और बाकी जो हैं सिफतें जो मैं नहीं जानता उसको और बुजुर्ग समझते हैं कि कैसे। और एक बात आपको बताऊं कि एक जरूरी बात क्या है इसमें, एक करिश्मा है। अब जी कि हम लोग तो पठान अफगानिस्तान के, हमारे बाप दादों की पैदाइश अफगानिस्तान की,
हम पहले वहीं बड़े हुए, वहां फौज में वहां थे। मेरे वालिद साहब भी 2 साल फौज में था, मैं भी 2 साल फौज में था। वहां हमारे किंग के जमाने, बादशाह के जमाने में हर अफगान को फौजी में 2 साल रहना चाहिए था। इसी के सभी अफगान फौज हो, सभी को जंग के मैदान में लड़ना चाहिए। तो ऐसा था उस जमाने में। तो फिर हम लोग तो अब देखिए पैदा हुए एक माहौल में जहां सरंग साहब की सेवा कुछ ऐसा और चीजें जो बहुत कम थी जो सुनने को अच्छा लगता था। अच्छे जैसे बुजुर्ग उस्ताद गुजरे वहां, जिनको मैंने किसी को देखा किसी को नहीं देखा। तो ऐसे उस्तादे हैं जो अफगानिस्तान में भी बुजुर्गे थे, लेकिन उस उसूल से जो सरंग साहब ने क्लासिकल म्यूजिक बुलाया, और हमारे दादा ने जो अकादमी शक्ल से मौसीकी को इल्मी तौर पर अफगानिस्तान में उन्होंने प्रचार किया, शागिर्दे बनाई, कुछ अपने जो गाने बजाने वाले लोग जो हैं मिरासी लोग वो शागिर्द थे, और कुछ बाहर के लोग यहाँ के बादशाह के बेटियों के शागिर्द बन गए। इनको सल्तनती खानदान से उन्होंने अपने शागिर्द बनाया। इसलिए कि मुल्क जो था ना, तो ऐसा था कि म्यूजिक म्यूजिक से थोड़ा सा वो के गाना बजाना अच्छा नहीं मानते। तो उस वजह से इन्होंने क्या किया कि शाही खानदान से शागिर्द लेना शुरू किया, कि जब दोनों देखे कि बादशाह का बेटा जब सितार बजाता है तब क्यों ना बजाए, जब किंग का बेटा गाता है बहुत कंपोजिशन कर हमने क्यों ना करे। और ज्यादातर हमारे मुल्क में कंपोजिशन टोर वगैरह जो थे बहुत से, तो वो सब भी यानी ज्यादा शाही खानदान के लोग थे, तो नामवर थे वो म्यूजिक में जैसा बनाने में। तो जैसा फिजुल्ला ख्याल थे, जैसा क्या फजल अहमद नैनावा साहब थे, शाहवली साहब थे, वली शाहवली वली, ये सब सरंग साहब के कुछ शागिर्द, कुछ उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब के शागिर्द, और इन लोगों में बहुत बातें थी। तो उस्ताद आशिम साहब थे जो मेरे वालिद के यानी खालाजाद भाई और उमिया कादर बख्श के शागिर्द थे तबले में, तो वो भी एक बहुत बड़े शख्सियत थे। मैं क्या बताऊं को उनको कंपोजिशन में तबला बजाने में तो क्या बताऊं, उनका सुरो सितार गिटार और कंपोजिशन माहिर थे। तो ऐसे लोगों को मैंने वहां सुना, और फिर हमारे दादाजी को जहां तक मुझे याद है तो उनके साथ मैं छोटा सा, वो मुझे ले जाते थे जब भी बच्चों को सिखाते थे 5-6 साल के बच्चों को कोदकिस्तान को, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वहां बच्चों को सिखाना, ये पियानो बजाते थे खुद बैठ के, और सब 100 या कमतर ज्यादातर बच्चे लड़कियां लड़के उनको इस्तकलाल आजादी का तराना, अच्छा उनको जो जोश अफगानिस्तान में पहली बार सुनाइए आजादी ना, के लिए तरह। सुनाइए सुनाइए जरा, आजादी का तराना सुनाइए ना भाई जरा। आप मैं कहने लगा था तो आपके दादाजी का जिक्र के उस्ताद गुलाम हुसैन साहब का, क्या बात है, क्या बात बताई आपने, वाह। अच्छा, तो वो दो किस्म उन्होंने, एक तो किंग के लिए था जैसा बादशाह, जिंदा बादशाह जिंदा बादशाह सर मिला पैर रखे, जिंदा बादशाह सर मिला बादशाह जो जमाने में थे हमारे जाहिर शाह, तो वो उनको म्यूजिक से बहुत लगाव था, समझते बहुत थे, और उनके जमाने में 40-50 साल जो हुकूमत, वो तो सबको मालूम है कि शांति अफगानिस्तान में वही जमाना, ना आगे का तो हमें मालूम नहीं, पीछे तो देख रहे हैं कि कुछ शांति आया नहीं, उनके जाने से सब कुछ चला गया। ये जो आप देख रहे हैं हर दिन कुर्बानियां खून खराबे जो अफगानिस्तान में हो रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे, नहीं सुर था, सब लोग सुरीले थे, शेर शायरी में पेंटिंग में बहुत बड़े बड़े शायर थे अफगानिस्तान में, बहुत बड़े बड़े रसाम मुजस्मा साज पेंटिंग वाले,
और लिखने वाले लेखक एक्टर बहुत बड़ा अफगानिस्तान में वो क्या बोलते हैं तो उसमें खेलना इनका, तो ऐसे लोग वहां उस जमाने में बहुत था। तो धीरे धीरे अब तो सब कुछ कम हो गया। तो फिर अब मैं चाहता हूं कि जैसा अगर आप को वो लगे कि खान साहब को सरंग साहब को कैसे आश्विन खान साहब के साथ है उनका शागिर्दी का जो जी 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 तो हमारे दादाजी सरंग साहब को जब छोटे थे 10-12 साल के तो इनको लेके इंडिया गए थे। तो पाकिस्तान तो था नहीं, वो इंडिया हिंदुस्तान था सर। तो वहां जाके फिर इन्होंने सब गवैयों को सुनते थे, वो सब आते थे कि अफगानिस्तान से कोई गवैया आए हैं तो सुनते थे हमारे दादाजी को भी और वो भी फिर। अच्छा देखिए कि मैं पटियाली में जब मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था तो वसंत पंचमी में बहुत साल पहले, तो मेरे ख्याल 93 या 94 में, तो उसमें मैं गाया तो बहुत से गुरु रागी जो है ना बहुत बुजुर्ग उम्र के सफेद पगड़ियां सर पर वो आए मुझे नजर देने लगे 101 रुपया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपके दादाजी की शायद गुलाम हुसैन खान का बोला, वो जब यहाँ पटियाला में रहते थे तो हम लोग उनके पास शागिर्दी करते और हम उनके अब हमारे बहुत शागिर्द हैं हमारे स्कूल में यहाँ, लेकिन हमने आपके दादाजी से ये देखिए इनका फिरना। तो कहाँ अफगानिस्तान के हिंदुस्तान में भी उतार गुलाम हुसैन की शागिर्द बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले शख्सियत जो कंपोजिशन अफगानिस्तान में रवाज दिया, कंपोज किसको कहते हैं, गजल गायकी का कैसा रंग हो उस जमाने में थे, जब उस्ताद कासिम अफगानिस्तान के थे बहुत अच्छे थे बुजुर्ग थे वो लोग भी बहुत बढ़िया थे। तो और दादाजी का भी जमाने में यानी जवाब ही नहीं था इनका। फिर उन्होंने अपने बेटे को चाहते थे इनका बेटा जो है सरंग साहब मोहम्मद हुसैन साहब, तो फिर इनको ले गए और वारिस साहब कहते हैं कि मैं बहुत गवैयों को सुना है। तो एक दिन बोला कि उन्होंने कहा कि आशकरी खान साहब आ रहे हैं, तो दादाजी तो नाम सुना था कि आशकरी खान जनरल फतेह अली खान साहब के बेटे, तो बोला कि मैं तो बहुत हैरान हो गया। तो आए और देखे कि खान साहब आ रहे हैं आशकरी खान साहब और उनका तो मुंडी अलग था, वो तो अलग मस्त मौला थे वो मस्त मलंग जो कहते हैं खान साहब वैसे। तो उनका बोला कि आए और 4-5 पहलवान उनके साथ पहलवान इस तरफ भी पहलवान इस तरफ भी पहलवान खान साहब बीच में और पक लेते खान साहब और वो बहुत अच्छा सूट सफेद सूट और हाथ में छड़ी। तो आए बोला ऊपर आके बैठ गए हमारे दादाजी को बोला कि मैं हमने सुना कि अफगानिस्तान से कोई गवैया आया है, हम आए कि कुछ सुने कुछ सुनाए। दादाजी ने बोला उनकी हम क्या सुना सकते हैं, हम बस आप सुनाइए, हम तो आपके हमारे दादाजी फतेह अली खान साहब के भी शागिर्द थे वाले थे आशिक खान साहब के वाले। अच्छा 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 दादाजी ने कितने लोगों से सीखा था हिंदुस्तान में फतेह अली खान साहब और क्या बोलते हैं उसको दीव पड़ोसकर के वाले जो थे विष्णु दिगंबर कैसे कुछ नाम था क्या, हाँ विष्णु दिगंबर पुरस्कार उनसे और उस्ताद करीम सिंधी और ऐसे उस्तादों से तो इन्होंने सीखा था। तो इन्होंने बोला कि अच्छा बोला कि दादाजी ने बोला आप गए, तो बोला अच्छा शुरू हो गए दी शाम का वक्त नजदीक था तो मुल्तानी खान साहब ने शुरू किया मुल्तानी आशिक खान साहब ने। तो वाले साहब ने बोला मैं यहाँ कर बहुत उस्तादों को सुना मैंने बहुत अच्छे गाते थे तो, लेकिन इनके गाने का असर जो मेरे ऊपर हुआ तो मैं ऐसा पागल सा हुआ हो गया बिल्कुल जैसा मैं आशिक हो गया खान साहब को और इनका ढंग जो हुआ गाने का अंदाज और वो आवाज और वैसा गायकी उनकी आशिक खान साहब और दरवेश तबियती। तो बोला कि जब ये चले गए तो बोला मैंने अपने वाले साहब को यानी गुलाम हुसैन खान साहब को कहा कि मुझे अगर शागिर्द बनाते हैं तो आप आशिक खान साहब। तो उन्होंने बोला कि ये तो अच्छा है लेकिन इनके साथ गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए खान साहब कहीं एक शहर में बैठते नहीं हैं, एक घर उनका है नहीं, वो तो कभी शहर में कभी उस मुल्क में कभी यहाँ कभी वहां, वो दरवेश मलंग है वो कहीं टिकते नहीं है। तो इन्होंने बोला मैं करूंगा जायज हो जा सब। फिर इन्होंने 14 साल खान साहब सरंग
आशिक़ अली खान साहब के पीछे पीछे जाते थे, उनके उनके बक्सा सर पे उठाए हुए, उस आगे आगे पीछे, कभी अमृतसर में, कभी पटियाला, कभी लुधियाना, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, जहाँ खान साहब और सर ये एक इशारे में उनके पीछे, इनके लिए खाना बनाओ, इनको मालिश करो, इनको पैर दबाओ और इनका घर को साफ करो और कपड़े धो, ये सरंग साहब का वजीफा था। और उन्होंने पहला ये जो मैंने राग गाया, मैंने कहा ये राग आशिक़ अली खान साहब ने के वाले साहब को बताया। उसके बाद फिर वाले साहब ने हमें बताया, हमारे पास जो कोई कोशिश करते हैं सीखने का या आप, तो उनको भी मैं इसी राग से शुरू कर रहा हूँ। अब आप कुछ पूछना चाहें तो बोलिए। अपने दादा साहब के बारे में, उस्ताद गुलाम हुसैन साहब के बारे में बताइए, उनकी कोई चीज सुनाइए जो आपको याद हो, जब आपको सिखाते थे, कौन सा राग पहला उन्होंने आपको सिखाया? मुझे जो दादाजी ने सिखाया तो मैं शायद 7-6 साल का या कुछ ऐसे ही, अच्छा 5 साल जैसे, बहुत छोटा था, मुझे याद है। तो मुझे गोद में बिठाते थे और फिर उन्होंने अभी तक सुना नहीं ये बंदिश, किसी से भी नहीं सुना। अच्छा बहुत मैंने भी, मेरे ध्यान में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका अंतरा कैसे जाते थे, इसका अंतरा कैसे जाते थे वो? थोड़ा सा अभी बहुत साल हो गए। अच्छा सुधारा
आपकी बदौलत मुझे बचपन से मैंने जो गाया करा अब याद आया। क्या बात। अच्छा इसमें तो, नाथ जी की, नाथ जी का भी गाते थे ना आपके वालिद साहब, नाथ जी की बंदिश थी जो बटाले वाले नाथ जी हुए हैं, वो शंकर शंकर वाला जो है मालकौंस में दूर चलता है, जो नाथ जी का है वो बंदिश, शंकर शंकर आ, आ, आ शंकर जमरू बर शंकर और वो तीन साल के बाद मुझे याद आ गया ये वाले सरन साहब से मैंने, और इसको भी मैंने सिर्फ सरन साहब जी जी, और मास्टर मास्टर रतन, मास्टर रतन भी गाते थे इसे, मास्टर रतन जी जी, उनका रिकॉर्डिंग भी है गाया हुआ, मेरे पास आपको भेजूंगा। एक चीज काबिल गौर है, अपने हिंदुस्तान है, हमारे कलाकार जो हिंदुस्तान में है, पैदाइश वहीं का है, उन्होंने सुने अच्छी चीज, वहां पैदा हुए बड़े बड़े, उनकी जिंदगी सिर्फ म्यूजिक के सिवा कुछ और नहीं था, सिर्फ म्यूजिक में थे। अफगानिस्तान में तो फिर ऐसा हम लोगों का तरीका नहीं, हम पैदा हुए तो जैसा चलो स्कूल भी गए, फिर फौज में गए, फिर वो जैसा कि अच्छे माहौल मिले सुनने के लिए, माहौल था बहुत कम, अच्छा था बहुत कम, तो ऐसा है कि वो माहौल जो हिंदुस्तान में हमारे कलाकारों को मुयसर है, अफगानिस्तान में नहीं है, नहीं था। अच्छा। तो और फिर लैंग्वेज आप देखिए, मैं पठान हूँ, मैं काबुली हूँ, मेरा जबान पर्शियन है बिल्कुल, मैं फारसी जबान फारसी बोलता हूँ और मेरा जबान फारसी, अब मैं फारसी, अब इस चीजों को जैसे संस्कृत में या शास्त्र में या हिंदी में जो बंदिशें हैं इनको गाना मेरे लिए कितना, और अल्फाज को जहां तक हो सकता है उसको सही अदा करना, ये बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत किसी को कहा कि मैं कितना कर सकता हूँ, अगर कोई भी एक एक हमारा गजल जो पर्शियन में कोई गा के बताए मुझे कैसा गाए, मुश्किल पड़ता है वो कैफियत जो होना चाहिए वो नहीं होता बिल्कुल, तो हम तो इतना कर सकते हैं लेकिन एक छोटा सा पर्शियन का कोई गजल सुना जो साफ हो तो ये बात है। लेकिन हम लोग अगर करते हैं बहुत दूर रहकर, अफगानिस्तान की सरजमीन पहाड़ियों, अफगानिस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ के लोग बहुत ही अजीज हैं, बहुत मेहमान नवाजी उनका दुनिया में मशहूर था, अफगान के लोग बहुत ही सुनने वाले थे, बड़े बड़े उस्ताद वहाँ हमारे किंग के जमाने में जश्न आज़ादी में आते थे, बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित काना ठाकुर जी जैसे, बेगम अख्तर, बुलाए खान साहब, अमीर खान साहब, अलामत जाकिर खान साहब, फतेह अली अमानत अली खान, बेगम अख्तर, फरीदा खान, उम्मीद हसन साहब, तो कौन है जो वहां नहीं आए, पंडित रविशंकर जी, वलायत खान, अब्दुल अली जाफर खान साहब, शांता परशा जी, सभी अफगानिस्तान में आके इन्होंने गाया, बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब का अच्छा किस्सा, बहुत बुजुर्ग
वाले साहब को बहुत ही प्यार करते हैं खान साहब। अच्छा, वो उनका एक दावत में वो उन्होंने उस्ताद को अवार्ड दिया सरंग साहब को, तो उस अवार्ड में उन्होंने लिखा था कि खुदा लास्ट में उन्होंने बोला कि खुदा तुम्हें उम्र दराज नसीब करे, इसलिए कि कलाकार दो किस्म होते हैं, एक तो पब्लिक के लिए हम पब्लिक को खुश करते हैं, जो पब्लिक को खुश करते हैं, लेकिन वो जो काम के लोग हैं करने वाले हैं कलाकार, कलाकार को खुश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा बहुत अच्छा है कि तुम पब्लिक को भी खुश करते हो कलाकारों को भी खुश करते हो और हम लोग तुम्हें सुनने, हम लोग तुम्हें सुनने के लिए, तो बहुत ही प्यार था अल्लाह खान साहब। वाह 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 वाह, बहुत अजीज थे, मैं बचपन से देखा सब चीजें, बलाय खान साहब, अब्दुल अलीम जाफर खान साहब, देखा बड़े गुलाम अली खान साहब, बहुत छोटा 5 साल 4 साल कलकत्ते, उन्होंने मुझे गोद मिली सीने पे और सर पे हाथ रखा और दुआएं दी, बस उन्हीं लोगों की। वाह वाह वाह, क्या बात है। और आपके जी जी नहीं, बहुत बहुत मजे की बात है। और अपने दादाजी के बारे में अभी उन्हीं के पास चलते हैं फिर से, उनका आपको क्या याद है उनका, जब दरबार में गाते थे जहीर शाह साहब के दरबार में आपका बैठना होता था, साथ में जाते थे, सुनते थे उनको गाते हुए उस माहौल में, या अकेले जाके गाते थे वो? नहीं, दादाजी को नहीं सुना दरबार में, वाले साहब को देखा। अच्छा, सुना। अच्छा, दादाजी जब जाते थे तो शायद उस वक्त हम पैदा नहीं होते थे, नहीं हुए। अच्छा, जब वो जाहिर साहब को पियानो सिखाते, अच्छा, तो बादशाह पियानो वाले दादाजी से सीखा था और बहुत बढ़िया बजाते थे हमारे बादशाह, पियानो सितार क्लासिकल बहुत बढ़िया, तो दादाजी को मानते बहुत थे, हमेशा बोलते थे हमारे गुरु है, तो वाले साहब के साथ मेरा जाना बचपन से दरबार में शुरू हुआ, तो फिर जब मैंने गाना शुरू किया और जाहिर शाह मुझे रेडियो से सुना है, फिर उन्होंने मुझे बाकायदा यानी बहुत इज्जत बख्शी कि मुझे मेरे वालिद साहब के साथ मेरा नाम भी अपने फरमान में लिखा और मुझे बुलाया अपने महल में, फिर मैंने वहां इनके लिए यमन का, उनको यमन बहुत पसंद था, शंकरा बहुत पसंद था, मारवा बहुत पसंद था, मांड बहुत पसंद था, यमन और जैसा अगाना बहुत से रागे जो थे उनके मन पीलो भैरवी, तो ये चीजें बादशाह की पसंदीदा चीजें, तो फिर मुझे बोला कि गाओ, मैंने शुरू किया तो बहुत खुश हुए, फिर इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया, बॉम्बे भेजा वहां पंडित देवधर के पास, पंडित जी देवधर प्रोफेसर देवधर थे वो भी मेरे गुरु हैं, मैं उनके पास भी था उनके स्कूल जो वहां था उनका बॉम्बे में, तालीम जाफर खान साहब मेरे गुरु थे, उस्ताद अब्दुर्रहमान खान साहब पटियाले वाले थे बॉम्बे में, जिनके बहुत शागिर्द हैं मधुरानी जी उनकी शागिर्द, जैसा लक्ष्मी शंकर, जैसा मेरमला आरून और ये गोविंदा जी की मदर, तो और ये सब और बहुत से जैसे महेंद्र कपूर जी, मन्ना जी भी उनके शागिर्द थे, अनवर भाई जो गाते हैं ना फिल्मों में गाते थे बहुत अच्छे, तो ऐसे बहुत से हैं उनके शागिर्द, कौन है जो उनके शागिर्द नहीं थे, अब्दुर्रहमान उनसे भी मैंने सीखा, नजर था उनका नाम, अब सीखा काम लोगों ने, सिर्फ हम नजर हो गया उनका मन पर, बाकी सीखना तो अलग बात। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं ली, बेशक बेशक। और दादाजी का जी, हाँ दादाजी का वो तो जैसा बहुत पुराने जमाने, जो हबीबुल्ला खान अमानुल्लाह खान के वाले, अमीर अमानुल्लाह अफगानिस्तान के बादशाह थे, उनके वाले थे हबीबुल्लाह खान, तो उनके दरबार के गवैये थे दादाजी। अच्छा, तो दादाजी को बहुत इज्जत प्यार देते थे, उनको बेटा बोलते थे, इनके लिए गुरु बुलाए वहां से हिंदुस्तान से उस्ताद करीम सिंधी, उस्ताद मोहम्मदीन सियालकोटी, वो दो उस्तादों को बुलाए इनको सिखाने के लिए और तालीम, तो ऐसा सिलसिला था उनका, तो वो जमानों में हम लोग थे नहीं, हमारे वालिद साहब ने पैदा जी जी और बहुत बहुत एक उस्ताद प्रताप सिंह, जिनका लाहौर में प्रताप सिंह साज घर था, 1800s में 35 साल उन्होंने बादशाह के परिवार को तालीम दिया था उस्ताद प्रताप सिंह, जिनके बेटे अजीत सिंह जो वीणा, विचित्र वीणा बजाते देहरादून में, उनका शॉप है,
उनके वालिद उनका लाहौर में प्रताप सिंह साज घर का बहुत मतलब बहुत एक सिलसिला था 1800s का बात है वो 1860s 70s का 80s का ऐसे तब का बात है बहुत बड़ा सिलसिला था और आपके दादाजी का आपको तालीम सबसे पहले आपने दादाजी ने दिया ना आवाज आपका भी कम हो गया हाँ हेलो मेरा आवाज आ रहा है आवाज कम हो गया कहीं फोन से तो नहीं कम हो गया आवाज हेलो 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 अमित कैन यू हियर मी सर वो बहुत ही कम आ रही है पहले बहुत अच्छा था हेलो हाँ अचानक आपके वालिद साहब का भी आवाज एकदम कम हो गया पहले अच्छा था जी जी हाँ कम हो रहा है जी हाँ आवाज एकदम से कम हो गई है अचानक कम हो गई है ना मैं देखता हूँ क्या है दिक्कत ऐसे होनी तो नहीं चाहिए यहाँ बिल्ट इन माइक्रोफोन भी मेरा तेजी है हेलो हेलो अब आ रहा है क्या मैं फिर से मिलाता हूँ आपको मैं फिर से मिलाता हूँ पता नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है सिग्नल में लेट मी ट्राई एंड कॉल हिम बैक पीपल द सिग्नल इज ऑलवेज एन इशू हेलो अब आ रहा है आवाज अब सही है आपकी सही हाँ बिल्कुल हाँ आपकी फिर आ गई आवाज हाँ तो मैं आपको वापस लेता हूँ जी हाँ सो मैं ये अर्ज कर रहा आपसे पूछना चाह रहा था कि आपके दादा साहब का जो सिखाने का जो सिलसिला था वो क्या था कैसे सिखाते थे वो आपने बताया कि वो भी उस्ताद आशिक अली खान साहब के साथ उनका बड़ा प्यार था और उनके वालिद साहब उस्ताद फतेह अली जी से खान साहब से उन्होंने तालीम भी लिया था तो सिलसिला आपके यहाँ ख्याल का ही रहा या ध्रुपद का भी था सिलसिला बहुत अच्छी बात पहले हमारे दादाजी भी ध्रुपद गाते हमने अच्छा सुना है कि ध्रुपद दमार पहले यही यानी दादाजी ध्रुपद अंग बहुत था उन्होंने ध्रुपद सीखा था ख्याल गायकी बाद में शुरू किया तो पहले ध्रुपद ध्रुपद ही गाते थे और कभी कभी मैंने सुना छोटा था तो देखता था कि पहावज के साथ गाते थे ध्रुपद अरंग जो गायकी तमा वो भी बहुत उसमें माहिर थे अच्छा कुछ याद है क्या कोई एक आधी चीज सुनाइए ना उनकी कुछ याद ध्रुपद का मुझे कुछ नहीं है उतना मैं ध्रुपद सुनता हूँ अच्छा लगता है लेकिन मैं भी अच्छा याद नहीं अच्छा अब उनका याद नहीं है अच्छा उनके साथ पखावज कौन कौन बजाते थे आपके अफगान मतलब अफगानिस्तानी पखावजी थे वहाँ तबला था तो एक थे उस्ताद महमूद साहब उस्ताद महमूद उस्ताद हाशिम साहब के वालिद जो मैंने बोला तबला वगैरह जो बजाते थे हमारे आजाद भाई वाले और दूसरा थे वो उस्ताद फतेह खान साहब एक थे फतेह अभी भी उनके बच्चे हैं मेरे वालिद के शागिर्द हैं हमारे शागिर्द गाते हैं बजाते अच्छे तो वो फतेह खान और उनके दो बेटे थे वो बोलते हैं वो भी बहुत अच्छे थे वो हमारी उम्र से पहले थे हमारे जन्म से पहले तो उनका बोलते हैं वो पहावे भी बजाते थे अबला भी बजाते थे लोगों को भी सिखाते तो ऐसा कुछ अच्छा अच्छा तो आपके वालिद साहब ने भी ध्रुपद सीखा उनसे मतलब याद सब सब था उनको कभी उनसे मैंने सुना है और वाले साहब से भी दुर्बतांग शुरू किए थे अच्छा उनसे भी मैंने आपको आपका आपका सीखना नहीं हुआ दुर्बत के बारे में दुर्बत का नहीं हुआ मुझे आपका तो फोकस शुरू से ख्याल में रहा आपका फोकस ख्याल में रहा देखिए पहले हम लोग कितने यानी 40 साल से हम लोग दर बदर है मुल्कों में अपना देश अपना घर अपना मुल्क बेशक 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 ये किसी को पर आ जाए तो समझे उसका अपना नाम भूल जाता है बिल्कुल 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 अपना अपना शख्सियत भूलता है इंसान क्यों क्या बहुत क्या बन
अपना मुल्क में तो चलो अपना झोपड़ी महलों के बराबर, लेकिन गैर मुल्कों में बाजर होना ये करना, चलो हिंदुस्तान हमारा दूसरा मुल्क है, उसको हम मानते हैं कि हिंदुस्तान एक ही मुल्क है जो हम सबके लिए, सब हमारे अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान में आकर बसे बहुत अच्छे, उनको यानी रेफ्यूजी मिली सब कुछ मिला, तो हिंदुस्तान दूसरा मुल्क है अफगानिस्तान, और बाकी जहां गए वहां मुताबिक कोई देश हमारा नहीं, जहां जाते हैं वहां बस अजनबी बनकर यहाँ मैं अजनबी हूँ। बेशक बेशक, तो बेशक, अपना वतन अपना होता है, चाहिए हमको अगर हम जैसा अपने मुल्क में होते फिर हिंदुस्तान में आना जाना होता तो शायद हम लोगों का और भी कुछ बढ़ जाता काम में। अब तो मैंने पता कुछ 4 महीने के बाद मैं नहीं हूँ, इतने बिल्कुल बिल्कुल, अब तो माहौल ऊपर से आजकल बहुत खराब है और बोझ है, प्रॉब्लम है, तकलीफें हैं, इसको खबर है कि हमारी जिंदगी कैसी गुजर, हम कैसे हैं, ऐसे नहीं है कि हाँ एक तो एक तबका है म्यूजिक में जो जो करते हैं उनके पास सब कुछ है ना, बोला आप कलाकार है, मैंने बोला कि हाँ कला, लेकिन कलाकार मैंने कार नहीं है, लेकिन कला थोड़ा सा है कार नहीं क्या बात कला तो थोड़ा सा है लेकिन वो जो कार है वो नहीं है तो आप बता रहे थे बहुत अच्छे, आपने बताया कि बादशाह जहीर शाह जो थे वो भैरवी और अडाना और ये पीलू और राग सुनते थे, कुछ सुनाइए ना जो उनको आप सुनाते थे। अच्छा एक तो मैं भैरवी में सरंग साहब का एक कंपोजिशन था, अच्छा हजरत बेदल और सूफी हैं जो दिल्ली में उनका मजार है, हजरत अब्दुल कादिर बेदल जी जो असदुल्लाह गालिब के गुरु थे, तो उनका एक देखिए क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये बहुत पसंदीदा उस्ताद साहब का गाना है जो सब अफगानिस्तान के लोग मशहूर है और किंग को भी ज्यादा पसंद था, और हमारे सब अफगानी लोग अब आज तक इनको ये गाना
बहुत ही हमेशा उनके जहन में है। और जैसा श्याम सुंदर खुशहाल गाय कल क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आप किस मोहब्बत से भूली हुई चीजें याद आ रही आज भूले बिसरे गीत बिल्कुल। जब से मैं टोरंटो में हूँ तो सिर्फ मेरे कुछ खास कम दोस्त हैं उनके साथ मैं बैठता हूँ कभी संडे शाम को। अब तो वो भी चला गया कोरोना साहब के वजह से, तो बाकी हम लोग बैठे थे। और अमेरिका में सुनने वाले बहुत है हमारे अहमान, अच्छा हिंदुस्तानी भी बहुत। वैंकूवर में हमारे बहुत इंडियन लोगों ने मुझे इंडियन सोसाइटी वालों ने बुलाया वैंकूवर कनाडा में, बहुत बड़ा प्रोग्राम है उन्होंने। तो बाकी और टोरंटो में उतना ज्यादा नहीं करता, तो बाकी जर्मनी यहाँ से हमारे अफगानों को बहुत शौक है और माशाल्लाह अच्छे भी हैं, सुनने वाले भी हैं, कुछ कुछ उनमें गाने वाले भी अच्छे हैं बच्चे। अच्छा सालार एक लड़का है जो उनका सालार है और जाकिर खान साहब की शागिर्द है उस्ताद जाकिर खान साहब का, तो सालार नाजिर बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। और भी बहुत अच्छे हैं उस्ताद आसिफ साहब के बेटे हैं जैसा यूसुफ है, जावेद है और माशाल्लाह बहुत है। आरिफ उस्ताद आरिफ साहब है, आसिफ साहब के भाई खुद उस्ताद आसिफ साहब है। तो अब क्या है कि वो जमाना ही कुछ अलग हो गया है, वो बातें है नहीं। और अफगानिस्तान में तो ये जंगों ने ये तबाहियों ने ये अफगानिस्तान तो जल गया, उस वजह से अब जल जब घर जलता है तो आप किस चीज को बचा सकते हैं, किस चीज को ढूंढते हैं कि मेरा एक चीज यहाँ रखा हुआ था वो तो जल गया सर, कुछ नहीं रहा। बहुत तबाही हुई, बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा आप हमें थोड़ा नजदीक कर देंगे कैमरा, जो खान साहब के थोड़ा दूर हो रही है आवाज, थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा नजदीक कर दें। ओके जी, मुझे लगता है एको सुन रहा है, डायरेक्ट आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नजदीक कर दें जी। दैट्स गुड, थोड़ा हो गया। हाँ मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा और नजदीक कर दें। दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ थोड़ा नीचे अगर कर दें तो अच्छा होगा जी। तो हुजूर ठीक है अभी हो सकता है? हाँ, तो अच्छा हो गया आवाज। आपको बताना चाहता हूँ कि ओ, जैसे सरंग साहब के भी शागिर्द जो हैं तो उन्होंने बहुत कुछ लोग थे जो उनके शागिर्द थे, तो बहुत से हैं, मां नाम किसी का लू तो सभी हैं जो मानते हैं अच्छे हैं। और एक तो हमारे खानदान के जो हैं तो वो है खान साहब के भांजे यानी बहन के बेटे, अच्छा उसका नाम है मोहम्मद शरीफ, उनका तखल्लुस है गजल, शरीफ गजल है। वो माशाल्लाह आप उनको सुनिए तो खुश हो जाएंगे आप। अच्छा मोहम्मद शरीफ गजल, वो माशाल्लाह उसने बचपन से खान साहब को यानी खान साहब के क्या बोलते हैं आगोश में बड़े हुए। अच्छा तो बहुत छोटा है मेरे बच्चों जैसा है,
माशाल्लाह उस अपने जर्मनी में है, वो रामपुर में रहते, तो अच्छा माशाल्लाह मेरे मामू का बेटा भी है, फूफी का बेटा भी, मैं उसका मामू का बेटा फूफी का बेटा तो वो माशाल्लाह गाने में तो उनका जवाब ही नहीं है, आप सुने खुश हो जाएंगे आप, अच्छा जी, हाँ क्लासिक गजल सब चीजों में माशाल्लाह, और अच्छा बहुत हासिल किया, बहुत माशाल्लाह अच्छा मैं जरूर अभी। आपसे लूंगा संपर्क, आप आपसे कांटेक्ट लेके बात करेंगे, उनको जरूर बताइएगा, जरूर उनको बहुत सुनेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा अच्छा रहेगा। और आप बता रहे थे, जी, आप बादशाह जहीर शाह की बात कर रहे थे, 2 मिनट और बात करते हैं उनके बारे में, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, बहुत बड़ी हस्ती हुई है हमारे साउथ एशिया की। अडाना उनको बहुत पसंद था, मुझे मालूम है, अपने अश्विनी कुमार जी बताते थे, अश्विनी अंकल बताते थे अक्सर बातें करते थे, अडाना की बहुत तारीफ करते थे वो, और आपके वालिद साहब जब आए उनसे तो उन्होंने उनका रिकॉर्ड भी मैंने रिस्टोर किया है। अडाना सुनाइए भाई जान, अडाना आपके वालिद साहब जो गाते थे। वाह वाह वाह, क्या बात अच्छा दादाजी का एक उनकी एक सिखाई हुई चीज मैं आपको, वाले साहब अच्छा कलकत्ता में अरण्य में गाते, इंडिया में हमेशा गाते, तो अजीब रंग है देखिए, अच्छा सोंदे सजान बहुत पुरानी चीज है, क्या बात जैसे क्या बात है, पुरानी है तो ये भी कोहिनूर है, बहुत पुरानी, वाह 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 वाह, सोंदे सजान सोंदे सजान सोंदरा मेरा जगा आए खाजे दिन मिल के डमर आ गयो सुंदे सुंदे अंतरा, देखिए किसमें कैसे रंग आता है, वाह क्या बात है, सोंदे सजान
आए खाजे वो दे मिल के मरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसमें देवगंधारी का भी रंग आ रहा है, देवगंधारी का भी रंग आ रहा है इसमें। बाल गुंजी का क्या अडाने का ऊपर ऊपर बैक कहने लगा थे, ऊपर जाते अडाने का रंग आ रहा है। बिल्कुल, ये तो खट खट राग जैसे लग रहा है, छह राग मिश्रण। एक तो सरस एक राग गाया हुआ था हमारे पैदाइश से पहले बॉम्बे में, जब खान साहब सरंग साहब 22 साल थे तो बॉम्बे में रहे थी ना। अच्छा अच्छा, उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो 75 रिकॉर्ड होते थे ना काले, उसमें क्या था एक ये राग के हरिकांस के नाम से और दूसरे तरफ में था बैरोबा। तो उस वक्त पंडित चतुर्लाल जी इनके साथ बजाए थे और पंडित गोपाल मिश्र जी ने अपने उनके भाई साहब पंडित रामनारायण जी, रामनारायण जी और चतुर्लाल संगा। तो अब देखिए इस रंग का भी अमीर खान साहब तो बहुत मशहूर राग है सरंग साहब। अच्छा, अल्लाह रखा खान साहब भी अल्लाह बख्शे को एक कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम मेरा अल्लाह रखा खान साहब ने रखा था, तो उसमें अजमत हुसैन खान साहब लोग सब लोग थे, रोशन कुमारी भी थी उसमें अल्लाह बख्शे और बहुत से उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब, तो बहुत से उस्ताद। तो उन्होंने गाने के बाद अल्लाह रखा खान साहब ने मुझे बोला कि सब कहते हैं कि सरंग साहब का वो हरी कौन है, तो वो रहा कुछ मैंने सिर्फ सरंग साहब से सुना उसने। अच्छा, और आपको देख के मुझे सब मजा आ रहा है। माशाल्लाह। मैं देखिए खुदा जानता है कि 4-5 महीने के बाद मैं जानता हूँ। जी जी मैं जान रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज लग रही है। अब देखिए यहाँ तक तो मामला मालूम है ना जी। वाह क्या बात, ये बात क्या बात है। मंदिर वाह वाह, सागर
क्या बात है, पड़ता है गंदर से गंदर से सागा क्या बात है ऐसे जैसे मतलब मधुवंती में पंचम नहीं है, रिखब नहीं है, कोमल निखाद है, लेकिन तुखारी में जिसमें कहें कि रिखब नहीं है और या गंधार गंधार दोनों में लगते हैं, क्या बात, मतलब कितने रागों का आएगा माँ क्या बात है क्या बात है तुखारी में तुखारी है ना उसमें बट उससे काफी क्योंकि उसमें तो दोनों गंधारे दोनों मध्यम लगते हैं दोनों निखार लगते हैं उसमें, लेकिन इसका कई जो गंधार और मध्यम का जो अंग है उसमें कई रंग जो है, क्या रूप बनाया है माशाल्लाह, वाह क्या बात है, हाँ साहब की कैसी याद आई कुर्बान जाए, क्या बात है, कैसा गाते थे उनको, हम लोग तो क्या सिर्फ सुना है उनको, हमने गाना तो बहुत दूर है, और लेकिन उनका गाना जो रंग जो डालते थे और जैसा गाते थे वो तो बहुत माशाल्लाह, बहुत उनको याद दिला रहे हैं आप, यूं मत कहिए, उनकी उनकी कृपा है आप पे और देखिए जी का एक और बंद है कुछ बताओ कृपा ला
ये गायकी समझते हो आपका अंदाज। वाह 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 माशाल्लाह। अभी उसमें कैसे मोरे कैसे जक्का में मोरे पागे कैसे मोरे पागे कैसे मोरे पागे कैसे मोरे कैसे मोरे कैसे ये बा ओरे आगे पिया ओरे नाहे क्या बात ओरे आगे पिया ओरे नाहे कैसे कुछ ऐसा रंग में सुनता था उनका। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। वो समंदर से लेना नहीं नहीं माशाल्लाह। वो तो जैसे मक्खन में से गरम छुरी जाती ऐसे जाते थे। क्या मिजाज गाना तो एक है, मिजाज कमाल का था उनका। मिजाज के बारे में जो बातें सुनी है मैंने, काश के मेरी मुलाकात हुई होती। लेकिन जो अश्विनी अंकल से औरों से जो जो उनके बहुत नज़दीक रहे, उनके बारे में जो उनकी ताबीयत के बारे में इतना प्यार था उनमें भरा हुआ, और जिनसे भी वो मिले उनको याद रहा उनका, मतलब ना भूलने वाली हस्ती थी वो। एक बार किसको मिल जाते थे आपके वालिद साहब, वो ऐसा लगता था वो किसी के जीवन का हिस्सा बन जाते थे, किसी के जिंदगी का एक दोस्त थे। बहुत इज्जत चाहते थे जी। बहुत वो जलंधर में और वल्लभ, मैं जाता था खान साहब के साथ, तो वल्लभ खान साहब जाते थे, मनोहर खान साहब सब, मनोहर खान साहब, तो क्या मजे होते थे। फिर अश्विनी पंडित जी भीमसेन जोशी जी, तो क्या मजा आता, अरे सब बैठते थे आपने इनकी बातचीत का अंदाज, और अश्विनी जी बीच में बैठ, कितना शौकीन थे, क्या बढ़िया शख्सियत थे वो। बिल्कुल नाम था अश्विनी, पुलिस बहुत बड़े आदमी थे। अभी मैं गया तो मिला था दिल्ली में दो तीन बैच, जब पहले पहले अफगानिस्तान से अभी जब गए थे तो मैंने देखने गया, फिर बहुत खुश हुए। बहुत साबरी खान साहब के साथ गया, उन्होंने देखा था क्या। अच्छा, तो अब तो गुजर गए हैं बहुत। उनका भाई था कुमार, कुमार जी मारे रहते थे डिफेंस कॉलोनी में। बिल्कुल। तो आपके साहब जी 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 कहिए। नहीं, मैं आपके आपके वालिद साहब की जो आपको जब तालीम देते थे, वो क्या क्या अंदाज था उनका सिखाते, कैसे रियाजत करते थे आपकी, कराते थे आपको? रियाजत उनका था कि पहले तो ज्यादातर वो आरू अमरू जिस राग का था, आरुई अमरुई आना जाना, तो राग के ऊपर आरुई अमरुई सिखाते, सिखा के पूरा बिठाना सुरों का, तो कैसे राग है, कैसे उसका शुद्ध कौन सा लगता है, कौन से सुर उसके वह जैसा वो जैसे उसमें वादी संवादी वगैरह, तो उसको सिखा के पहले वो कहते थे कि गाने में सिर्फ तुम सोचो कि तुम किसी और के लिए गा रहे हो, ऊपर सोच ऊपर रखो, नीचे मत रखो, मेरे लिए मत गाओ, किसी के लिए मत गाओ, सिर्फ गाओ आंख बंद करके ऊपर। और उनका तालीम जो था, तो तालीम जैसे बंदिशें थी शुरुआत, अब जैसा अस्थाई से शुरू होती थी,
तो किसी भी ताल में, जैसा एक ताला बिलंपत में या दूसरे तालों में या जपताली में या उसमें, तो फिर ऐसा उनका तालीम जो था वैसा। और फिर पलटे थे, सरगमे थे, तान तैयारी के लिए, तैयारी गला का तैयारी कैसे तैयार होता है, तो गले का अंदाज कैसा, यानी आरो अमरो आना जाना, फिर पलटे के साथ The signal has gone. Let me try to connect. I hope the battery is not died. On hold, I think there was a call that came for them. जी, वो बीच में शायद कॉल आ गया था कोई. कुछ पता नहीं। तो जी ऐसा था, एक मैं आपको वो बताऊं, क्या बोलते हैं, एक कंपोजिशन। जी, उनका दिखाइए कैसे. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात, क्या ऊपर ऊपर जैसे जाता है उदात में. क्या बात है, इरशाद इरशाद. तो मन गयो चश्मे निकोयो सुरा शराब यक चुए बोर नरगिसे शालो पिया वरे शालो क्या पिया बात है, वरे शालो पिया शालो हाय 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 हाय, क्या बात है क्या बात है. क्या बहुत बड़े, बहुत से बात है. दादाजी का था जैसा भैरवी में. अच्छा, आजकल मैंने उसको दोबारा, गायिका है जो अच्छी गाती है, अफगानिस्तान की है, असली यहाँ रहती है, और उनका नाम हंगामा है. तो उनके फैमिली हमारे फैमिली से बहुत नजदीक है, यानी उनके बाप दादे सरंग साहब से, अच्छा दादाजी से प्यार है. तो बहुत सुरीली है, बहुत नामदार है काबुल, बहुत अफगानिस्तान में नाम होता है. तो उनके साथ मैंने एक बार इसको किया ड्राइव, उसने उनकी ख्वाहिश की कि अच्छा हम गाएं इसको. तो था कि अच्छा जैसा दोस्त भी वो
क्या बात क्या बात है। अच्छा, आपके कई फैन साथ में जुड़े हैं, उनकी फरमाइश है कि अगर आप उनकी गुजारिश कबूल करें, अनोज हम गाने के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा एक खास गाना है वो। अच्छा अच्छा जो, उस गाने के साथ मेरी बहुत याद जुड़ी हुई, अच्छा यादें हैं, तो उस यादों में हमेशा इतना याद उसमें है कि वो याद भूला ही नहीं जाता, और जो सुनता है वो याद में खोया जाता है, इसलिए उसका उसका भी वही याद है। अच्छा जो मेरा है। वाह वाह। तकना पीलो रंग का है ये। There's a signal issue. We'll try for it to reconnect.
خاموش کردیم اگرچی قرار فراموش کردیم اگرچی مرا تو فراموش کردیم هنوز क्या बात है, वाह वाह वाह, बड़ा जिगरा लूट लेता है ये, हमारा जिगर लूटा था सही। अब तक वो यादें जो है ना, जवानियों की यादें, जमानों की यादें, अपने का, दोस्तों का, अपने अजीजों का, ये सब याद है जो भूला नहीं जाता। तो इसका मतलब भी वही कि अभी तक तुम मेरी याद में हो और मैं तुम भूल नहीं पाता, भूल नहीं सकता। कैसे भूल नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। एक और फरमाइश, इससे पहले हम अपनी अपनी वार्ता, अपनी गुफ्तगु जारी रखें। एक भोपाली में उस्ताद सारंग का एक बंदिश का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा, पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भोपाली में, उस्ताद मोहम्मद सारंग जी का कोई भोपाली का बंदिश है, शायद उसकी फरमाइश कर रहे हैं। वो नाम नहीं लिखा कौन सा बंदिश है, कोई हमीद हामी साहब है। अच्छा ठीक है। क्या बात, माए सुंदर गा
एक जो दादाजी जो कहते जो कहते हे भले का हे भले का शुभ करिए भले का सुगर चंदुर सुंदर बाला सुगर चंदुर सुंदर बाला रस की बत्तियां करिए ज्ञान धरिए माई सुंदर का माई सुंदर का उनका एक बंदिश था बना था गोपाल थोड़ा सा उसमें आ जाए अच्छा याद आएगा जी जी तो ऐसा उनका था वे वो बंदिश अभी मुझे याद नहीं आ रहा बहुत बढ़िया गाया था क्या बात है एक तो, हिंदोवाली का कंपोज कंपोज इन भोपाली हिंदोवाली का कंपोज हिंदोवाली का हिंदोवाली हाँ फरमाइश कर रहे हैं हाँ कंपोजिशन का कह रहे हैं भोपाली का हिंदोवाली का कंपोज इन भोपाली कंपोजिशन सरकार अब याद है वो तो हाँ आ गया अच्छा हिंदुवली के मान का तुमियो मुझे आज इस बर कर मन डर कर हिंदुवली सर इसका एक उसमें इसके पीछे छोटी सी बात है अच्छा मैं 2 साल का था बहुत बीमार था तो मुझे दो मेरे जो गुर्दे हैं जिम्मी कहते इंग्लिश गुर्दे किडनी हाँ किडनी फेल हुई है बिल्कुल तो बहुत इलाज करवाया अफगानिस्तान में नहीं हुआ तो पाकिस्तान ले गए मुझे मैं छोटा था वहां भी इलाज करवाया तो फिर वाले साहब ने उनका कहना है कि उन्होंने बताया कि मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अरीजा बनाया इसी बंदिश को इसी बंदिश के थ्रू ख्वाजा गरीब नवाज के लिए मैंने लिखा इस बंदिश को बनाया कि मेरे बेटे को सेहत बखो अल्लाह तुम्हारे मुंह से आपके लिए मेरे बेटे को बार करोगे मोरी नैया इसी की नैया बेटा मर रहा है तो पारा करोगे मोरी नैया हिंदू वाली सरकार हमेशा गाते फिर बोलते हैं ये अल्ताफ मैंने रिस्टोर मैंने रिस्टोर ये भी रिस्टोर किया है मैंने उसमें है ये कंपोजिशन बिल्कुल वाह वाह अच्छा अच्छा इरशाद इरशाद वाह पारा करोगे मोरी नैया
हिंदू बलि सरकार हिंदू बलि के मान का तुम्हें हिंदू बलि के मान का तुम्हें मुझे आज दे पर घर मन घर कर हिंदू बलि सरकार आर कर स्टूडियो उसका हुई था क्या बात। अब तो क्या है कि रियाज गाना ठीक है कि दमाग में दिल गा रहा है, दमाग गा रहा है, रूह गा रही है, लेकिन वो जो पहिए है वो नहीं ठीक से नहीं चलते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उसको, समझ रहा हूँ। आजकल आजकल नहीं, माहौल सब लोग लॉकडाउन में, लॉकडाउन में है, आप भी लॉकडाउन में है बिल्कुल। और मैं तो जी 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 नहीं नहीं माशाल्लाह तो नहीं, नहीं बहुत 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 खुशी है। भैरवी में गाते थे साहब। अच्छा गाते थे जी 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 इरशाद फरमाए। कोई पटियाला अंग हो गया ना, पटियाला गाय बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी ओ बखिया जलिया पंजाबी जलिया वाह वाह क्या बात लिखो लिखो के सजने वाले लिखो लिखो के लिखे लिखो लिखो के वो वाह 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 कुर्बान जाए। सुभान अल्लाह भाई जान, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चिट्ठिया दर्दा दिया वो चिट्ठिया दर्दा दर्दा प्रीतु लगा के हो गया रे मिल लगे कलेजे छुड़िया हाय हाय ओ प्रीतु
वाह 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 सुहा, क्या बात है भाई जान, क्या ही बात है, क्या ही बात है, अखियां जा लड़िया, वाह 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 सुभान अल्लाह। अपने खरो दिया हमारे जख्म छेड़ दिया। जख्म तो सांझे हैं भाईजान, जख्म तो जख्मी तो हम भी हैं, जख्मी तो हम भी हैं, गवाया हमने भी है, घर घर हमरा भी जला है, घर हमरा भी जला है, सच्ची बलात्कार हमरे भी हुआ है, ये दुखी हृदय है भाईजान, क्या बात, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, मिट्टी से खेलते हो बार बार किसी है। वाह वाह, तो ये बहुत अच्छा गाते थे खान साहब, कल सुना मैंने, क्या जमाना, क्या दिन, जी जी, क्या लोग थे, क्या जिगर थे जी, क्या लोग थे, क्या जिगर थे, बात वही है। क्या बात, क्या बात है, सारे गा दा गा रे, सारे गा दा गा रे, सा छा अंदर रे मोरे छा, अंदर रे क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह 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 भाईजान, मजा आ गया भाईजान। ईद, ईद मुबारक दे रहे हैं, आपकी याद कर रहे हैं खान साहब की, ईद के लिए पीलू में गाते थे, वो कह रहे हैं ईद मुबारक गाते थे, मुबारक समा है, मुबारक समा है, और यादें हो रही हैं बुजुर्गों की, यादें हो रही हैं, जिगर रो रहे हैं, माशाल्लाह क्या बात है, उनका उनका तो मुबारक, मुबारक घड़ी है, उनकी याद हो रही है, मुबारक घड़ी है। और ऐसा है कि मैं अपने अफगानिस्तान के भाइयों, हमारे अजीज, हमारा जो सबसे यानी क्या बोलते प्यारे लोग हैं मेरे,
हम वतन मेरे हम तमाम जी हम नशीन जी जी मेरे हम नवा। तो उनको मैं अपने भाषा में अर्ज करता हूँ के बरदरो अजीजोए अफगानिस्तान में बर दोस्तों अफगानिस्तान में बर अजीजोए बाजीजोए में बर तमाम सरतो ओए मर्दों में दहर जो दहर गोशे दुनिया की तशरीफ दारा कि दर वतन ما در افغانستان مبارک ما و در شکل در ممالک بیرون دیگر ایده برشان در بیت میگیم و بیل که مشکلات را همگی داریم و شما در مشکل برناندیم و رابیم داریم که سر همگی سو خدا من ای اول خب خدا من کرونا وطن ما را جور بسازه که اصلا افغانستان کرونا قبل از کرونا در افغانستان کرونا وقت آمده بود آل مردم خبر زدی کرونا دیگر کرونا ما خب چند سال از کشون دیگه خداوند افغانستان را برش آرامی، آسایش، خوشبختی از خداوند میخواییم و در افغانستان که حکومت خوب یک چی بگویم که یعنی واقعا که باشه که مردم دیگه کشتار و این قتلگاه که افغانستان جور کردن این دیگه بخیر خلاص شدن این سلاقی و قصابی از بین بره خدا مردم افغانستان را از شر همه بشانه خلاص کنه و همه دنیا و مردم افغانستان خدا از یعظا خلاص کنن و ادایت اینی که بته به کسایی که دراست هستن که اینا اگر میتونن خوب نمیتونن و من خواندن که وقتی میتونم خوانده میخونم نشد میگم نمیتونم خوانده بیاین یک کسی که میخونه بخواد حال شما کوشش کنید کسی بگید دیوزه من نمیتونم بیاین شما بگید ما غالی میکنم میتونم نمیتونم شاید از چار پایی چاکیه که دستن نمیتونم تو امکان ندارد آدم میگم کوشش کنه که چی باشه بازم من از مردم برای مردم خود بسیار دعا میکنم خداوند بازم لطف کنه همه مردم همه دولت و حکومت خداوند توفیق بده مردم رو توفیق بده با هم بسازیم بخیر بتانیم که یک مملکت آزاد و پر افتخار و پر کیفیت داشته باشه دیگه خداوند شما را سلامت داشته باشه و اپنے هندوستانی بھائیوں کے لیے عرض کرتا ہوں عید مبارک سب بھائیوں کے لیے سب جہاں چاہے بھی ہیں ہماری انڈین ہمارے دوست اور خاص طور پر آپ جیسے شروع ہوا تو ہوا ہمارے بہت بھائی ہیں ہمارے بہت عزیز ہیں تو سب کو میں عید مبارک کہتا ہوں اور کلاکاروں کو سننے والوں کو آرٹسٹوں کو سب کے لیے میرے طرف سے عید مبارک ہو اور اللہ آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے یہ ہماری امید ہے بے شک تو عید مبارک پہ آپ کے والد صاحب کا گایا ہوا جو گانا ہے وہ سب سننا چاہ رہے ہیں اور اس کا غزل تھوڑا سا ہے کہ وہ غزل میرے یاد نہیں ہے لیکن پھر بھی مزدائی دیداری تو چن عید مبارک something like that مجھے اگر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں مجھے اے مشاہد دار تو چھو عید مبارک واہ 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 دیدار تو چون کیا بات ہے ناز بچشم کے تو دیدار فرداز بچشم کے تو دیدار ای مجده دیدار تو چون وان عید و نوروز من آن است که پیشم باشی گر نباشی تو چی دست و چی نوروز نباشی ای مشتهی دیدار تو جانی مبارک
फिरदौस बचाश में के तुरो क्या बात वाह 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 ईदो मधो हर कस पे कोरिशस मीनो ज़दा गर्वनी वगर्वनीशस मन बेचू मन बेचू बहुले सुल नज़र वगर्वन دیدم که هنوز هم رمزان در پیش است ای مجده دیداری کچو تو با این مبارک فرداز بچش میکه تو را कैसे क्या बात है क्या बात है वाह 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 क्या ईद की मुबारक क्या बात है क्या बात है भाईजान मतलब वो तो लूट के ले गए आप ईद मुबारक क्या गाया आपने एक बार भाईजान एक बार फिर हो जाए वो क्या बात है वो क्या क्या बात है एक बार इरशाद एक बार फिर सुनाइए वो ये तो ऐसी तो ईद रोज ऐसी तो ईद रोज मुबारक हो सकती है क्या तसव्वुर है ईद का वाह 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 मुबारक बरशमो में का मदर पॉलिश
چیزایی که نامبارک دهی دمه بشه و هم دفعونش من جدایی و فراخ و دوری فامیلا و دوستا و چیزای ما یک مبارک است که به خیر آمد و یک درد است که دیگاه دورستن واہ واہ اے مجھے تو چھونی क्या बात वाह 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 फिर चश्मे की थोड़ा گویم که طرف ساز تدین آمد واه 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 گویم که طرف ساز تدین آمد شب رفت و سهر دمید و خورشید آمد ما را با فضولی خیالات چی کار هرگر تو به جلو آمدی این آمد ای مجره دیداره تو چونی فرداز و چشم که تو را دید فرداز و چشم که تو را دید क्या बात है क्या तसव्वुर है क्या तसव्वुर है वाह कुर्बान जाए मतलब मुबारक जिसको मालूम है मुबारक होता क्या है वही कह सकता है वही हम तो बस यूं ही लिफाफेबाजी करते हैं लिफाफा जानते हैं मुबारक का अंदर नहीं कुछ जानते होता क्या है भरा क्या है क्या बात है क्या मुबारक एक भाईजान आपके मेरी इसमें कोई गुस्ताखी नहीं आपके फैंस आपके शागिर्द इतने जुड़ रहे हैं अब वो फरमाइश कर रहे हैं जिमान रबुदाई दिल जिमान रबुदाई दिल आपका आपको सब आपके आशिक जो है जुड़ रहे हैं मैं तो डाकिया हूं बस बीच में पोस्टमैन ईश्वर खुदा वाहे गुरु आप सबको खुश रखे आप मैं भी आपके साथ बैठा हूँ तो सोचता हूँ कि हम बिल्कुल सभी हम आप और जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं जी जी मैं सोचता हूँ सब इकट्ठे बैठे ऐसा लग रहा है जैसे इकट्ठे बैठे वाह 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 ये तो समा रुका हुआ है एकदम काल रुक गया जैसे समा रुक गया हो ऐसा लगता है सलाम इत्राम इमाम शबरतान आस बखे मैं हम मगे दोस्त दोरम बहार जे की बोशे इस बोशे तो आना शिमा
عزیزای ما دیگه بسیار کسایی هستن که واقعاً نایاب هستن همه. خدا من شما رو به سلامت و جان و جود از در آفات محفوظ نگاهی دارم. دیگه یا هنگ زمانه بوده ایده. یه میرا تقریبا بہت ہی جب میں 16-17 سال کا تھا تو جب بھی مطلب ابھی نہیں ہے اب میں نے تو سوچا ابھی اب 17 سال کے ہوئے ہیں نہیں اس کے سامنے ہاں میں تو سوچتا ہوں کاش مجھے اب کہیں کہ 17 سال کاش میں بن نہیں میں تو آپ کو 17 سن کے ہی سمجھ کے بات کر رہا ہوں کاش ہوتے پھر بھی تو وہ کیا بولتے ہیں کہ 71 لتا جی کو بولا تھا کہ 70 بولا کہ بولا 71 بولا 70 بالکل لتا جی بھی ہنسی اللہ ان کو مبارک ہوئی سب کی ہنسنا ہی زندگی ہے وہ بھی نہیں ملتے وہ ایشور کے چنے ہوئے لوگ ہیں بالکل تو بر شما عزیز میخوانم شما براتون میخوانم و البته به فرمایش خود شما این دیگه بسیار که یک شب بارانی بود تقابل شب ماه حمل دیگه تقریبا دیگه خدا رو بخشه آمد جان حسینی مدیر موسیقی را دو کابل مقرر شده بودن بودن دیگه آقا سب خدا و شامد حسینی از مر بیعت دوست عزیز پدرم از ما پدرشان آقا سب دوست استاد سب بوده سرانگ سب دیگه ما لبامش سب خدا بباشه شیر جان خدا بلی رحمت کنه دیگه خود آمد سعید آمد جان دیگه ما دیگه قدر هم که ماری جان بخی برای ما همیم هست دیگه ما یک فامیل باید بده دیگه آمد جان تصادق مدیر موسیقی شد باز آمد جان اولین کمپوس که ساخت من رو گفت که برای ایدم که یک چیز ما ساخته ایم همی تو بیشنم بیشت تو هست من گفتم خب که شنیدم که زمان در رویده ایدن من این مندر بباست مفتوم الان آمد جان خوب رسید گفتم یه تو میخوانی من دوست ما قامد ایمان سب سباش و استیدیو و باران هم میبارید که ما عمل رو تکنیم دیگه استاد فقیر حسن خدا باشه بود و استاد عارف جان تشریف داشت و استاد سرور هرمونی هم دیگه خود آقا سب هم اگر میگر گرفته بود دیگه من می آهنگ ثبت کردم از من در بودی کنیم این تصنیف شم از آمد حسین جان است خدا باشه آقا سب از آمد جان است و هم کمپیوتر شما Jiman ko dai de mai man jiyo baste Jiman ko dai de mai man jiyo baste Mujhe pasori de kuch rahe Mujhe pasori de Matuni guna شب سراغ تو جویم از ستاره ها که توی شب می شب استم ماما بری گلستان شروع تنگ نیستم جان من تو بیا
क्या बात तू चश्मे नंबरों तू दरिंदा किन्नी गौर सत्रह जवानी का जवानी याद आ गई आपकी عزیزایی که دوست دارم خوش دارم و علاقه من دستم به مو و موسیقی ما انشالله که بیاد شما است کسی انجوزو کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کے یعنی کہ پرانے آپ کے بچپن کی शरारतें जानने वाले अभी तक हैं यानी कि आपको आपका पीछा करते हैं सब पीछा करते हैं आपको छोड़ते नहीं है अजीब है अजीब सुभान अल्लाह एक और फरमाइश आ रही है आपकी मेरे देखिए अब ये सारे खराब हैं आपके जो फैन है ना आपके दोस्त हैं आपके शागिर्द हैं आपके सुनने वाले मेरे सवालों से ऊपर अपनी फरमाइशें रख रहे हैं देखिए अरे उनका भी बहुत प्यार जो, है जो मैं बातें करना चाहता हूँ वो पीछे वो इंतजार नहीं करते वो कहेंगे अभी पूछो जल्दी पूछो अरे भूल मत जाइए पूछिए वो प्यार प्यार कुर्बान कुर्बान प्यार क्या चीज है सलामत रहे प्यार मोहब्बत सलामत रहे मीना मैनी कुछ कह रहे हैं कि मीना मीना मैनी मीना मनी या मीना मैनी मीना मनी के नाम से हाँ हाँ हा। उसकी फरमाइश है बनाए थे मीना मनी के नाम से अच्छा तो क्या तो था वो क्या क्या बंदिश है या गजल थी या क्या थी ये एक बंदिश है किसी राग का तो उन्होंने एक राग को कुछ उल्टा उसका नाम रखा था कि मीना मनी अच्छा अच्छा मीना मनी राग इसीलिए लिखा उन्होंने अच्छा अच्छा मीना मनी राग अच्छा तसव्वुर किया किया उसको बना के मीना मनी के नाम से अच्छा 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 वाह वाह तो बहुत ही बढ़िया है वो लेकिन अभी क्या करूं कि नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा मैं अपना सवाल मेरे मन में जो था आप बता रहे थे तालीम के बारे में जब बात कर रहे थे आपके वालिद साहब उसके जैसे रियाजत कराते थे जैसे सरगम कराते थे जैसे गले की तैयारी कराते थे उसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो जी बताइए कैसे रियाजत करते थे आपकी वो संपूर्ण सुरों में जो संपूर्ण हो साथ तो
एक यानी पलटा है। अच्छा जैसे ऐसे सारी गाते कर रहे सारे सारे करे गा रहे वो तो आम है बहुत, लेकिन एक खास पलटा है gare dare da ga gare da ma gare gare ma ma gare aa aise koi yaad karwa aa gare dare da ga gare da ma gare gare pura sab pura aakhir tak to mushkil bhi padta tha abhi mushkil hai to phir bhi lekin wo khud jo kehte the alag baat thi to लेकिन उसको बहुत बोलते थे नरमी से गाना चाहिए गरे दारे दागा गरे इसको यानी तान तैयारी के लिए और तानों के लिए एक हुआ है चाबी। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है। अब देखिए एक बात के क्लासिकल के लिए अलग आवाज बनाना चाहिए, कलाकार या गवि जो गाते हैं सबको एक आवाज में नहीं गा सकते। अब जैसे मन रघू दे दिल वो कहा ये मालूम नहीं है कोई आदमी है ये कोई और है वो और है ये और है, तो ऐसा नहीं उसी आवाज में गाना नहीं हो सकता। तो क्लासिकल जो गाता है वो नरम चीजें इसके लिए मुश्किल पड़ते हैं ना, यानी गजलें उसमें नाजुकियां मुर्खियां वो मुश्किल पड़ता है। तो और जो मुर्खियों में नजाकत नफासत में उनको आदत है फिर उनको बड़े बड़े तान मुश्किल पड़ते हैं। तो ये है कि इस चीजों को साथ में मिलाना और ये जैसा हर तरीके से गाना। अब देखिए इसमें जैसा पे वो होता है क्या बोलते हैं पे राधा कृष्ण का जो मंदिर है सबसे बड़ा जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी तो वहां पे एक प्रोग्राम था कॉन्फ्रेंस तो वृंदावन में इन्होंने मुझे बुलाया था। तो क्लासिकल के बाद मैंने ये वाले सब सीखा था और ये देखिए भजन जैसा है भजन और ये जिला काफी में कृष्णारी जो कनिया करके जो कनिया बन बन बन
वाह वाह बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज कम हो गया? हाँ, आवाज मैं फिर से मिलाता हूँ, मुझे लगता है बीच में कुछ बीच में बहुत कम हो गया था, मैं फिर से एक बार मिलाता हूँ आपकी, रिकनेक्ट करता हूँ मैं इसको, फिर से मिला रहा हूँ मैं एक बार। What a beautiful, beautiful moment, really. He's a beautiful soul. He's such a darling. What a beautiful elder we have in our midst. And what a legacy. What remembrance. I really wish the same prosperity and happiness, you know, in Afghanistan again. What an environment. What a memory. What sort of reminiscence. मैं कह रहा था कि क्या याद दिला रहे हैं आप, क्या जन्नत थी जब, काश के उसी तरह का माहौल फिर से बने आपके वतन में। हमारा एक ही है, वो एक ही टुकड़े, थोड़े थोड़े सियासी टुकड़े हो जाते हैं अक्सर, पर हमारी सिविलाइजेशन तो एक है, माशाल्लाह, क्या बात है। और फरमाइशें हुजूर, अब मैं कब तक पूरा करूंगा, सारी रात लगा देंगे लगता है, फरमाइशें आ रही हैं। मेरे ख्याल की थोड़ा सा हमारे बैटरी में गड़बड़ हो रही है, यानी कम हो रहा है। अच्छा, तो अच्छा, वो चार्जर था वो भूल गए, तो उतना करते जल्दी थोड़ा के, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा था कि इतनी फरमाइशें हम तो सारी रात गुजर जाएगी, इतनी फरमाइशें हम पूरी नहीं कर सकते सब अच्छी बातें हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और अब आपका जब टोरंटो में जब रह रहे हैं आप, यहाँ पे तालीम दे रहे हैं आप, कितने लोग सीख रहे हैं? के लिए आया हूँ। अच्छा, अभी आप मिलने के लिए आए? आया हूँ देने के लिए नहीं।
लेने के लिए देने के लिए नहीं, मैंने कुछ एक शुरू किया था। शुरू में मैं तो अमेरिका रहता हूँ, ऐसा मेरा ग्रीन कार्ड है 30 साल से अमेरिका में। अच्छा अमेरिका में रह रहे आप? ओ ऐसे बच्चे तो मुझे मालूम है यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि आप टोरंटो में ही रहते हैं आप। अहमद हुसैन सरान बेटा बड़ा वो अमेरिका में है, तो उनकी हमारी बहू हमारा पोता और बाकी माशाल्लाह हामिद जान सरान जो है और बाकी शाह हुसैन खुसरो जी परवेज जान यामा जान ये सब यहाँ, तो कुछ वैंकूवर में रहते हैं दो और बाकी यहाँ। तो मैं इनके लिए आना जाना था मेरे यहाँ। प्रोग्राम भी होते थे, हमारे दोस्त भी हैं टोरंटो में बहुत अच्छे सुनने वाले बहुत अजीज, कुछ इंडियन है हमारे बहुत दोस्त हैं जी जी, मुन्नी हैं कुछ हैं वो अफजल भाई मुन्नी जी और रचना जी हैं कलाकार हैं बहुत अच्छा गाती हैं बहुत तबला अच्छा बजाती हैं और गजल में तो मुन्नी भाई अब अफजल जान बहुत अच्छा गाते दो अच्छे कुछ हैं और कुछ अफगानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आतिफ भाई हैं बहुत कुछ हैं अनिसा बेगम हैं बहुत दोस्त हैं हमें तो और फरीद साहब हैं हमारे बहुत ही सूफी दोस्त खुदा परस्त बहुत ज्यादा वो हमेशा 30 दिन रोजा लिया उन्होंने तो हम 30 दिन के साथ हमने बोला तुम अपना काम करो अब जब खत्म हो जाएंगे रोजा तो फिर हम लोग मिलेंगे तो बहुत प्यारे हैं मुझे हमेशा दुआ करते हैं तो उन्हीं लोगों की दुआओं से खुदा बस अपने दोस्तों के दुआओं से मुझे रखा है तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं तो मैं यहाँ जो आया तो ऐसे ही सोचा कुछ मैं कि हम कुछ बनाए सरंग साहब के नाम पे सेंटर या कुछ खोल दें तो हमने शुरुआत की तो कुछ दिनों में कुछ लोग आए बैठे लेकिन जैसा मैं चाहता था वो नहीं हो सका जो कोशिश करते थे कि बढ़ जाए कुछ इसलिए मैं अकेला तो मैं तो नहीं कर सकता मैं मुसाफिर आदमी और मेरे पास है क्या तो ये तो सब मिलके हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ बना नहीं वो हमारा कसूर है हमने दरवाजा खोल दिया बोला कि ये रास्ता है आइए हम साथ मिलके बनाएं कुछ करें लेकिन साथ देने वाला चलने वाले नहीं है कुछ जाके फिर मुड़ जाते नहीं इंशाल्लाह जरूर इकट्ठे होंगे कुछ लोग बहुत जरूरी है हाँ। तो आप जो घर में आपके बच्चों में से तालीम ले लिया है किसी ने गाने का दिया है आपने शौक है किसी को गाने का? हाँ माशाल्लाह सबको गाना तो उनके खून में है ना लव ब्लड में सब सबको आता है बजाना भी ताल में भी और खुसरो है मेरा बेटा वो अच्छा तबला उसने 5 साल की उम्र में दिल्ली में वो वहाँ पे भारतीय कला केंद्र या कहाँ पे उनकी वालिदा ने उनको सीखने के लिए भेजा था तो शुरू आज भी उसका बहुत अच्छा है लेकिन क्या हुआ कि ये हालात जो ऐसे आए ना मरूर ऐसे हालात है कि बच्चों को सिर्फ अपने कारोबार और मुल्कों में ये इधर से उधर उधर से उधर इसमें फंस गए और दूसरा कि बेकदरी जो है इस काम का कदर जो ना हो अब ये देखते हैं कि हमारे दादा का क्या होगा और दादा का क्या होगा फिर हमारा बाप का क्या हो रहा है इसके पास क्या है कुछ भी नहीं हम मैंने बच्चों को कहा कि शुक्र है कि तुम लोग कुछ और करते हो अगर मेरे काम में आ जाते तो तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं होता अब तो तुम्हारे पास मर्सिडीज गाड़ी होती अगर मेरे काम में होते तो तुम्हारे पास साइकिल भी नहीं आता इसलिए कि जो असली काम करने वाले उनके पास ये नहीं होता धन नहीं होता बहुत कम है जो दोनों चीजें को मारे वारिस लेकिन जो वो पैसा है तो वहीं जाता है जहां काम नहीं है उन्हीं के पास है जिसमें हुनर नहीं तो बात यह है तो फिर मैंने बच्चों को इस रास्ते में लाने से वो किया वो समझते हैं लज्जत लेते हैं मजा लेते हैं और ये तीन जो थे गुलाम हुसैन उस्ताद खान साहब सरंग साहब और मैं जितना भी थोड़ा बहुत था मैंने कर लिया बस यहीं पे खत्म तो ज्यादा इसलिए कि अब जमाना वो लोग नहीं है वो सुनने वाले नहीं है या तो इन जैसे बनो इन जैसे बनो तो फिर वो तो हम देख नहीं पाते कि हमारे बच्चे ऐसे बन रहे हैं कि लोग हमें गज मान अरे उसका पोता है उसका बेटा है उसका तो ये तो हमारी शर्म की बात नहीं तुम अब छोड़ दो जिसलिए कि वो मजा नहीं आता हाँ अगर वो जमाना होता वही लोग होते वो जमाना अपने मुल्क में होते इंडिया में होते तो शायद ये काम हो जाता लेकिन ऐसे हालात में नहीं और मुकम्मल नहीं हो सकता इंसान तो क्या फायदा फिर उन्होंने हम लोगों को जिंदगी देखी तो इनको तो सच्ची दिल में एक रंजिश पैदा हो
ऐसे लोग जो जिनका चलो बाप दादा जो भी हैं जो गाते बजाते ठीक है, लेकिन अब वो तो इतने ऐसे तो नहीं थे जैसे हम लोग थे, हमारे बाप दादा थे, इनके लिए मुश्किल है। ये बात है। और बाकी बजाते हैं सबको, मैं किसी को नापसंद जिंदगी में मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम अच्छा तुम बुरा गा, तुम अच्छे तुम ताल खराब है, तुम्हारा राग खराब है, जो सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा है, क्या कहूँ, जो अच्छे हैं अच्छे, जो नहीं है वो भी अच्छे। अब जमाना ही ऐसा ही है। ओ ब्रदर अजीज शुमो नफुम बर शुमो जमात बोशा इके नतो नसुम नरे बर शुमो फरमाइशाय तो न बजाय बेरम अज तगी वक्त यो तर गप दिगा खुदावन यो लुत्फ कने के मा बखैर बाजी जमीना मुसाइद शा कुमा بتونم با شما بخیر بازی یک پروگرام منظم اخیرا در ماه یک بار اگر ما بتونیم که آمی جان اینا بخیر بچی من زنده باشه که اینا وقت پیدا کنن و ما و اینا که بخیر یک پروگرام بسازیم کمی ماه یک بار اقلا برای 15 دقیقه یا نیم ساعت با شما باشیم در هر ماه دیگه شما آرزو دارم که در این مورد برای کمک کنیم یعنی همراه ما باشه تشویق کنه نمی همی کار اگر بتونیم دست جمعی یک پروگرام پیش ببریم دیگه یک از من تمناس آرزوی بود خدا من شما رو سلامت داشته باشه اچه ای فرمایی هم تو ابھی پھر امریکا میں کہاں رہ رہے ہیں آپ میں امریکا میں کالیفورنیا میں تھا سن دیگو پھر سن دیگو سے پھر میں اورنج کاؤنٹی تو بہت لاس انجلس اورنج کاؤنٹی سن دیگو اس میں بہت رہا میں تو और इस शहर में जैसा वर्जीनिया में ज्यादा रहा मैं तो अभी मैं जब आया तो बच्चों के लिए यहाँ तो एक दो साल है कि मैं इनके साथ मेरा तबीयत ठीक नहीं थी मैं अकेला रह नहीं सकता था वहाँ भी तो दोस्त बहुत थे लेकिन ऐसे मुझे जरूरत थी बच्चों की और मैंने सोचा कि बच्चों को मेरी जरूरत पड़ी है वो भी सोचते हैं कि हमारा बाप हमारे साथ हो कुछ मुद्दत हो हमेशा वो बाहर रहते हैं हमेशा हमारे साथ नहीं है तो ये तो कलाकारों का तो यही वो यही तो नुकसान है कि वो बेचारे अपने परिवार को यानी ज्यादातर वक्त नहीं दे सकते इसी वजह से बहुत रंजिश फैमिलियों में पैदा होते हैं कि परिवार को वक्त नहीं तो वो या इसको संभाल या इसको दो चीजें हैं तुम्हारे पास या परिवार या पब्लिक या लोग इन चीजों में दो पसंद करो या इसको पसंद करो या उसको लेकिन जो लोगों ने दोनों को ठीक है संभालना हद तक लेकिन अब मैंने देखा कि अब मुश्किल है मैं बहुत साल 20 साल तकरीबन हूँ ज्यादा और 20 साल से मैं परिवार के साथ कभी साल में एक बार दो बार मैं देखता था इनको एक महीना 10 दिन 20 दिन ज्यादा नहीं तो बच्चों को भी जरूरत थी मुझे और मुझे भी इनकी जरूरत तो इस वजह से मैं आके यहाँ इनका प्यार फिर बच्चों का प्यार आप समझते हैं कितना है तो उस वजह से इनके साथ आया और अभी मैं ज्यादातर वक्त इनके साथ गुजार देखते हैं आगे अल्लाह जानता है क्या होगा बेशक बेशक और यहाँ अभी टोरंटो में तालीम ले रहे हैं कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं अभी वहाँ या कैलिफोर्निया में थे अमेरिका में थे नहीं नहीं यहाँ भी हैं मेरे पास बच्चे आते हैं जवान दोस्त जो मेरे शागिर्द भी हैं सीखते भी हैं बैठते भी हैं तो आते जाते हैं माशाल्लाह अच्छे हैं अच्छा ऐसा नहीं कि आना जाना है सीखना है सुनना सुनाना है मजा आता है वाह 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 और मैं तो शुक्रगुजार हूँ समा तो जी नहीं कर रहा कि ख़त्म हो एक फरमाइश है आखिरी में अगर कुछ आप सुनाना चाहेंगे जाने से पहले या एक गज़ल की कोई फरमाइश कर रहे हैं वो अगर आप कुछ और सुनाना चाहते हैं तो दैट विल बी वंडरफुल अपने दिल से गाऊं हाँ अपने दिल से या कोई वो एक हर सितम हर जफा गवारा ही आपकी अच्छा। फरमाइश कोई कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है Thank you.
ये तकरीबन सिंध भैरवी में ऐसे अच्छा। कुछ मैं सरंग साथ सुना था सिंध भैरवी में। अच्छा अच्छा सितम है जफा गवार है, सितम है जफा गवार है, इतना कह दे कि तू हमारा है, इतना कह दे कि तू हमारा, हर सितम हर जफा गवार है, इतना कह दे कि तू हमारा है, इतना कह दे कि तारे गिन गिन की रात काटी है, तारे गिन गिन के रात काटी है, आहे पर भर के दिन गुजारा है, आहे पर भर के दिन गुजारा है, इतना कह दे कि तू हमारा, ऐ शकी उनकी नाज़ुकी की हसन, ऐ शकी उनकी नाज़ुकी की हसन, उनकी हर हर अदा ने मारा है, उनकी हर हर अदा ने मारा है, इतना कह दे कि उनकी नजरों में ये इशारा है, तेरे सीने में दिल हमारा है, तेरे सीने दिल हमारा क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह क्या गजल कहते हो भैया राम, वाह 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 वाह। और दोस्तों तानू मैं शनमंदा अजीज और भैया रफीकाय मेरा वो नबाव अमतनो अजीज मां बाबा में कहीं मां वक्त के बाद शुमा को फाइन हाथ बदन बोगर में कहीं नाश ना बिलून चिमिशाओ तक सुधा मिलेगा मैं उन्हें मैं तानू शुमा रबीबी में आश्चर्य मिलेगा याद में مردم ملک وطن عزیزای دیگر بسیار خواستم که غیر مستقیم اگر اتون باشه خب با شما البته رابطه داریم کدام شما را ایدتان همیشه خوشی ها نصیبتان باشه از آنهایی به نصیبتان باشه کدام یافت این مریضی را این بلا را از سرزمین ها تمام مالک دور بسیار و عرب العالمین و فرادگار از همه مخلوق خود بسیار شکل با بسیار همه ما شما را خدا مخلوق خدا از یاد آدم خلاص باور میکنید که ما یعنی بیک روادار بیک یک سردرد دارم است خدا من همیشه دوامت دارم حضور
दोस्तो मैं थानू बेनती कर दिया कि अल्ताफ भाई साहब का फेसबुक का पेज भी हैगा, उन्हों का फैन पेज हैगा उस्ताद अल्ताफ हुसैन साराहंग करके, थानू मैं गुजारिश करदा कि तुसी वो लाइक करो और साराहंग भाई साहब नू फॉलो करो, उन्होंने तुसी मौसिकी उन्होंने जिहड़े गाने हनगे वो तुसी सुन सकते हो, उन्होंने राबता रखो, उन्होंने कोलों सीखो भी, उन्होंने संपर्क रहो और पुरानी तवारीख है जिस तो तुसी जाणू होवोगे, जमाना लई बैठे ने जिहड़े वड्डे हुंदे ने, ये जमाने वो ने जिहड़े सदा रहने हुंदे ने, कदे आउट ऑफ वोग नहीं होंगे, ये जमाने नित नवे ने, ये जमाने बगैर भविख ही है नहीं कोई, दर इज नो फ्यूचर, ये एहोजे जमाने ने। तो तुसी उस्ताद अल्ताफ हुसैन साराहंग का जो फैन पेज हैगा जरूर फॉलो करो। फ्रेंड्स, आई वाज वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर ऑल दोज हु वुड लाइक टू, आई मीन ऑल दोज हु एंजॉय म्यूजिक, गुड म्यूजिक, हेरिटेज म्यूजिक, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू टू search for Ustad Altaf Hussain Saraahang. The page name is Ustad Altaf Hussain with HUSSAIN Saraahang, and kindly like it, follow it, and of course do keep in touch with him, and of course when the COVID-19 lockdowns are over, I think these are important times. You should document him, interview him. Those who are researching on music, you should approach him, you should write on him, research on his father, Ustad Muhammad Saraahang, on his grandfather, Ustad Ghulam Hussain Saraahang. These are very, very important documentations that need to be done. And I'm inviting you to do that. I'm, encouraging you to do that. So kindly do the needful and be in touch with Khan Saab, and it's beautiful to such a beautiful soul he is, right? So kindly do that. So Bhaijan Saab, ek aur farmaish aa rahi hai baaton baaton mein, agar farmaish logon ki puri ho jaye to koi buri baat nahi hai, achhi baat hi hai. Ek bahut zyada request aa rahi hai गुंजी काउंस के बारे में, वो तकरीबन 10-12 बार वो मर्तबा वो लिख चुके हैं कि प्लीज़ 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 प्लीज़, यानी कि 4 बार तो प्लीज़ लिखा है जनाब ने कि आपको रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो, अगर मिजाज बने करना था हमारा जो अभी ये रिकॉर्डिंग का जो बिल्कुल आप देखें कि बिल्कुल जीरो पहुंचा हुआ है, काश मैं अभी क्या करें कि फिर से इंशाल्लाह इस महफिल को जमाएं जी दोबारा इंशाल्लाह जी। हाँ ऐसा करते हैं ना, हाँ अच्छा जीरो पे, अच्छा बैटरी जाने वाला, ओ यस दैट्स ट्रू, हम भूल ही गए, बातों बातों में बैटरी जाने वाली है। तो मैं आपसे इजाजत, नहीं जरूर, आप सबको कुछ कहना चाहें जाने से पहले, कोई पैगाम देना चाहें, COVID-19 के वक्त में लॉकडाउन है, सबको कहें कि टिक के बैठे, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इससे, उसके बाद फिर आपसे अलविदा कहेंगे। آره وقت رسیده است که برتون عرض کنم که امو تنهایی امو که میگفتن وفات نرسد گوشه تنهایی را، حالا واقعا وفات بر کسی نمیرسد که اگر خود تنها بگیرد شاید بدون آفت، یعنی تنهایی مقصدی نیست، تنها خودم فامیل باشه، خود هم باشه که تنها که با خوب، اما پروردگار نگاه کنه که می ارتباطات از کمی گشتن زیاد یا بزن بی مورد با جمعیت چیشتن یا با نزدیک تماس گرفتن، اینا رو خداوند بخیر توفیق بده که نکنیم برای مدتی که خداوند بخیر تا که این چیزا که جدایی هایی که بین ما کرونا ایجاد کرده خدا یه دیگر بخیر گلمش رو جمع کنه که ما شما به هم برسیم بخیر با نزدیک ببینیم و دعای ماست خداوند از آسی و بلا همه گیر از وقت خدا نگاه کنه دیگه، اگنی خب بسیار مشکل است دیگه به یه حالت زندگی کردن من میکنم، همه این مشکل دارم به این من میکنم کس به کس نمیرسه که شاید به تلفونی و نه تماس گرفته شده دیگه، اونم از که جدا شدیم خلاص. ٹھیک ہے بھائی جان، آئی تھنک دا سگنل ہیز جسٹ بین لاسٹ، اینڈ ایز اٹ واز سسپیکٹڈ دیٹ دا بیٹری از گونا ڈائی
It has been an absolute pleasure. I used to meet him often in the later 80s and early 90s when he used to frequent India and used to stay here. He stayed here for quite some time. I remember him telling when he had to grow a beard and he lived in the trenches with the guns in his hands. Imagine, those were the times he also saw. He has also aged. I think it's important that all of those who are interested in, studying music should remain in touch with such elders. These years are the crucial years. The last memory bearers are in our midst, and I think that these conversations need to be had. I hope you've enjoyed this conversation. I hope you enjoyed, in spite of the technical issues. You know, I do understand sometimes the audio is not good. In the old times, you know, when we were growing up, the radio signals we used to hear to the radio and the television in its nascent stage, and they were all like this. Sometimes the signal would come and go. It had its own romance. The voice will come and then go away, and come and go away, almost like an ebb and flow. So we all understand. We are in lockdown. These conversations, I would have been so busy with my own work, otherwise. And writing the book and so on and so forth. If I hadn't been locked down, I might not have even started the conversation. So we just need to enjoy as much as we can and be patient sometimes if the signal is not as good. Even if we have to try and make sense of what is being said just because the signal is poor. It's part of the game. It's part of the joy. That's part of the romance, isn't it? So we shouldn't mind it. We shouldn't frown on it. We should enjoy it. Of course, I try, at times I have to interrupt them also. I have to redial if the sound is going down. But I think in spite of the handicap that we are all compelled to live with, we must celebrate. We must celebrate life. We must respect life. We must respect each other, take care of each other, wish for each other, pray for each other, and celebrate the harvest of our civilizations, respective civilizations. And we should connect with the finest so that we are inspired to create and curate and ideate some of the finest things and leave behind legacies for our coming generations. And if you do that, my prayer would have been served. My wishes would have been realized. My vision would have come true, would have been fructified. So I'll take your leave now and thank you very much for joining two marathon conversations, one with Dr. Pandit Gokulotsav Ji Maharaj, and it was fantastic. He's the head of the Vallabh Sampradaya and an ardent follower of Ustad Amir Khan's Khayal Gaiki, which itself is rooted in and inspired from the Vallabh Sampradaya. There's a whole, cycle that we were introduced to, which I was not aware of. And it's worthy of research, worthy of study and respect. And then, of course, we met, a doyen of the Patiala, school, Patiala Gharana, as it came out to be known as in the later 19th century. And then legacy of Ustad Ghulam Hussain Sarahang, Ustad Muhammad Sarahang, and of course, their grandson and son, Ustad Altaf Hussain Sarahang. I hope you've enjoyed this conversation with him as well. I was in tears at times. What a beautiful Eid Mubarak he sang in Raag Pilu. Eye-watering it was. And it was eye-watering for me to see Altaf Bhai teary-eyed. I mean, he is reminiscing those beautiful times. And I hope that in Afghanistan, and I wish we lost so many Sikhs recently who were murdered, And this is not the civilization that Afghanistan celebrated for hundreds of years, thousands of years. The subcontinent has been the seat of knowledge, seat of beauty, seat of love and compassion. And I so wish and I pray that enough is enough. Let peace, love and, joy prevail. Let there be, respect
for diversity, acceptance of diversity, that everyone is created equal, irrespective of the faith they follow, irrespective of the languages they follow, irrespective of the colors they wear, irrespective of the teachers they have, the languages they speak, the customs they keep, they practice, the rituals they live. It is all beautiful. World is incomplete without a single color, a single bloom, a single flower. Howsoever small, howsoever large, they're all the same. This is my wish, this is my prayer. Thank you very much for joining. I'll say a few words in Punjabi and I'll take your leave. Dosto, main bada shukrgozar haan tuhanu, tusi sare jede jude rahe. Mainu aas hai ajj diyan jehdiyan mulaqatan san. Ajj darasal tin san mulaqatan. Ajj sveer di jehdi mulaqat si, oh Kathakali de ik bade bade vidwan san, unna naal meri khaas badi unique mulaqat honi si. ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀਓਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪੰਡਿਤ ਗੋਸਵਾਮੀ ਗੋਕਲੋਤਸਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲਭ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਨਗੇ ਮੁਖੀ ਹਨਗੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮਕ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੱਲਭ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਔਰ ਪੜਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਧਰੁਪਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਨ ਉਤਾਰਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹ ਖੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰਾਹੰਗ ਮੈਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਫੋਰਮਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਵੀ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੜਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 74-75 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰਾਹੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਡੀਓ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਕਪਿਲ ਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ ਗਿਆ ਉਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੁਣਿਆ ਲਾਈਵ ਬੈਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 28-29 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 90s ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਿਆ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੁਨਰਸਿਰਜਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਿਆਲ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪਾਟੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਾਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ 19 ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਲਾਣਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਚਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਬਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਘੂੰਗਾ ਡੋਲ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਹੰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪ ਹੰਢਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲਾਨਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ, ਦੌਲਤਾਂ ਵਿਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੱਫੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਦੂਈ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੜੀ ਘੁਮਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ,
वैर नाल नहीं कुछ बनता। जे मैनू निर्वैर पदा मिल चुका है, निर्भाव पदा मिल चुका है, तुसी देख लिया ना, वी बाई पुलिस वाले पा के तुसी वो देख ही लिया, तुहानू मैं होर की साबित करा, होर देखना होर परखना परख लो। नुकसान अगे हो चुके ने, जिन्ना फिल्म लाओगे पंजाब दा उन्ना नुकसान होर करोगे। तुसी बंदे बनो, मूर्ख ना बनो, तुसी एक गल नू समझो और छेती समझो, क्योंकि समा किसी का इंतजार नहीं करता। होर आणगे बंदे करणगे, पर तुसी तां फिर रह गए ना, तुहाडे तां ना सदैवी कलंक तुहाडे मथियां ते लग जाने, वह मैं मिटन नहीं देवांगा। जिन्ना मर्जी अपने आप नूं ग्लोरीफाई कर लो, इतिहास और तवारीख असी लिख रहे हैं, नाल दे नाल लिख रहे हैं, ये याद रखना दोस्तों। सो मैं इस वेले इजाजत देना, कल कुछ हसांगे खेडांगे गुरप्रीत घुग्गी होना नाल, कल की मुलाकात होएगी, कल की कन्वर्सेशन होएगी। वो बहुत ही विद्वान और चिंतक अटेंडी हैगा, वो एक्टर भी है, वो लिखारी भी है, कवि भी है, और बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही वो दर्द है उहदे विच। ते मैं कल शाम नू गुरप्रीत घुग्गी होना नाल हम वार्तक होवांगा, समा जरूर कढ़ना जी, तुसी नाल मिलना। तो मैं हुण आग्या लैना, खुदा हाफिज, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, सत करतार, एंड ए वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।